जब विश्व में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो टेस्ट क्रिकेट सबसे प्रमुख व प्रसिद्ध फॉर्मेट था। इसके बाद वनडे क्रिकेट आया और आज के समय में T20 फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत साल 2000 के बाद हुई, लेकिन ये दुनिया की नजरों में आया साल 2007 में, जब T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप खेला गया जिसे भारत ने जीता। आज सभी टीमों के बीच टेस्ट वनडे के साथ साथ T20 सीरीज भी जरूर खेली जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही टॉप 5 टीमों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट इस सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया। साल 2005 में पहला मैच खेलते हुए अपने T20 क्रिकेट की शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया अब तक कुल 174 T20 मैच खेल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 91 मैचों में जीत हासिल की है, इसके अलावा 76 मैचों में हार भी मिली है। ऑस्ट्रेलिया के जीत प्रतिशत 54.41 का है। नंबर 4, न्यूजीलैंड। साल 2005 में अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली टॉप 5 टीमों में शामिल है। न्यूजीलैंड अब तक कुल 185 मैच खेल चुकी है। कीवी टीम ने अब तक 94 मैच जीते हैं व 78 मैच हारे हैं। न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 54.81 का है। नंबर 3, साउथ अफ्रीका। लिस्ट में अगला नाम दक्षिण अफ्रीका टीम का आता है जिसने साल 2005 में अपना पहला मैच खेला था। अब तक अफ्रीका कुल 165 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है। साउथ अफ्रीका ने अब तक 94 T20 मैच जीते हैं जबकि 67 मैच हारे भी है। इस टीम का T20 मैचों में अब तक जीत प्रतिशत 58.33 का रहा है। नंबर 2, भारत। इस लिस्ट में दूसरा नाम टीम इंडिया का आता है। भारतीय टीम ने भी अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2006 में ही खेला था। भारत अब तक कुल 199 मैच चुका है जिसमें से भारत ने 127 मैचों में जीत प्राप्त की है जबकि 62 मैचों में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा है। भारत का T20 फॉर्मेट में जीत प्रतिशत 66.49 का रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम है पाकिस्तान। इस टीम ने साल 2006 में अपना पहला T20 मैच खेला था। अब तक पाक टीम 215 मैच खेल चुकी है जिसमें से पाकिस्तान टीम ने 131 मैच जीते हैं जबकि 76 मैच हारे भी है। पाकिस्तान टीम का T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जीत प्रतिशत 63.09 का रहा है।